चलो कौन सा वाला सुनो? इमीडिएट. व्हाट इज फर्स्ट एड? द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर डॉक्टर्स रिसीव अराइवल. छोटी सुई जैसे मैंने ये देखो छोटी अलग ही बना लेना कि छोटी दिखाई दे तुम्हें पांच पे और बड़ी को एकदम सीधी बनाना बारह पे जाएगी वो. ये देखो ये 5 o'clock हो गए. नानी जैसे रोज टाइम याद रखा. अब 5 o'clock 5 बज गए. अब तुमसे बोल रहे हैं 2 बज रहे हैं. अब मैं बताऊँ मैं बजाऊँ. जब पूरे बजते हैं ना 2 बज गए 4 तो बड़ी को सीधे 12 पे बना दिया वो. और छोटी छोटी बनाओ सुई. दोनों बराबर सुई बना दी तुमने. नहीं तो थोड़ी छोटी बनाना है आगे से अलग ही पता चले. ठीक है अभी इसमें 11 बज रहे हैं. लिख दो नीचे 11 o'clock लिख दो. मैं टाइम लिख के दे रही हूँ ना नीचे तुम बता दे रही हूँ. इतना लिख लो तुम 11 o'clock. यहाँ लिखो 12 o'clock. उसमें लिखो उधर 7 o'clock नीचे वाली में 7 o'clock. हाँ भी बताओ द स्ट्रेंजर वो उसके लिए फिर अलग बनाना है. घंटे की अलग तरीके से बनेगी. लिख दो 7:30 लिख दो मैं बता दूंगी. हाँ भाई द स्ट्रेंजर वाज अफ्रेड ऑफ हिज सराउंडिंग्स बिकॉज़ ही वाज अ क्रिमिनल. ए बताना नहीं है. अरे मैं बताऊं ना आप लोग ये दूसरे ओ झूठे काम करो बस. ठीक है काम करो. अभी काम करो बोलो मत स्टॉप करता रहता है. हाँ तुम बताओ दिस चीज़ देखो. afraid of getting caught. People bought the stranger a lot of food. Because हंसी आ रही है तो तुम्हें रोकोगे उसे? मुझे भी आ रही है कैसे पड़ रहा है? बात कर रहे हो फिर उसको? मुझे हंस कर रहा है मेरी बात पे. तो तुम उससे क्यों बोल रहे हो कुछ भी? मैंने बोला पहले ये हंस रहा था. तो उसको हंसी आ रही है तो रोक देगा जबरदस्ती? तुम भी तो हंसते रहो फिर रोक दिया हंसने के लिए. हंसेगा तो भी मारेगा उसे. हाँ फिर बॉट द स्ट्रेंजर अ लॉट ऑफ फूड याद करो. याद नहीं सही से याद करो जरा. लाओ भाई तुम चेक कराओ एक बार. दिखाओ दिखाओ नक्श. तुम कह रहे थे चेक करा दो एक बार. इसमें लिख दिया पूरा एक राउंड में डू नॉट प्ले ऑन ग्राउंड रिलेटेड विद नेम. ठीक है ना तेरे जैसा नाम तो. ना वो सही लिख रहा है उसको पता है. लेटर माने बिखरी हुई एल आई डबल टी सही पे कील दिख रही हो तो मान ही लेना. ये भाई बड़े और छोटे का जैसे छोटी अलग दिख रही है इसमें नहीं लग रहा है. फिर कोई छोटी बना लो आगे से. 11 बज रहे हैं लग रहा है 10 की तरफ जा रही है. इसका मुंह देखो यूं कर रही है. मुंह इधर को कर रही है. मुंह को इधर करो ना सीधा. यहां 11 पे जा रही है. मुंह 10 की तरफ कर दिया उसका. 11 बज रहे हैं झांक रही वो 10 में जाके. ये 12 बज रहे हैं तो सीधी सुई 12 बजेगी ना तो ये 12 पे जाएंगी. दोनों ऐसे बनाएंगे बनेगी ऐसे. ये ऐसे बनती है 12 बजते हैं. हाँ सीधी आएगी टेढ़ी कर रखे. यहाँ से लगा दो दूसरी भी ऐसे ध्यान देना. ये सारे अब 7:30 बज रहे हैं ना.
सात बज के आधा घंटा फालतू हो गया, तो जो घंटे वाली सुई होगी ना सात और आठ के बीच में आएगी छोटी वाली सुई, बड़ी सुई तीस यानी देखो ऐसे ही तो कहती हो फाइव फाइव टेन फाइव थी जब फिफ्टीन मिनट ऐसे ही तो पढ़ते हैं, पाँच मिनट हो गई फिर दस मिनट पाँच का टेबल पढ़ते जाते हैं, पंद्रह मिनट बीस मिनट पच्चीस तीस मिनट यहाँ, तो सीधी सुई आएगी बड़ी वाली सीधी बनाना है सुई और साढ़े सात यानी सात और आठ के बीच में क्या आएगी छोटी वाली, सात और आठ के बीच साढ़े सात बजे, अब ढाई बजना है दो बज के तीस मिनट, दो और बड़ी सुई तो रहेगी छह पे बड़ी वाली सीधी बनाना, वो तो आपने जैसे बोला कि जब साढ़े सात बज रहे होंगे हमेशा छह पे रहेगी बड़ी वाली, और उसके बाद जैसे ये है तो दो और तीन के बीच में वही डॉक्टर की स्पेलिंग डी ओ सी टी ओ आर, हां और ऊपर कॉमा लगा के एस डॉक्टर्स डॉक्टर के जल्दी करो एग्जाम में कभी बहुत सारे हैं, अवॉइड दूसरा पॉइंट याद करना है यहाँ तक है ये ए है डी नाइन मत पढ़ना, ए और बी है इसका भी ए और बी है दो सब में ए और बी भी पॉइंट दो दो पॉइंट है अभी तो ये तो तुम्हें पूरे बज गए और आधा घंटा हो गया, अब तुम्हें अगर कहेंगे सात बज के पाँच मिनट हो गई, सात बज के दस मिनट हो गई, अब तुम ऐसे ही देख लिया करूंगी आराम से, अभी तुम बस नंबर लिख देना है गोले बना के देखो नंबर लिखोगी नंबर लिख के रखो, फिर मैं टाइम नीचे लिख के दूंगी फिर सुई लगाना उसमें, सुई को कहते हैं हैंड, हैंड लगाओगी नानी को सही टाइम बताना देखते हैं एग्जैक्ट टाइम, नानी की गांठ निकल गई जो थी नानी, हां वो तो देसी दवाइयों से निकली है, कहां पे हो रही गांठ, पट्टी में निकल गई नानी, दो दो पॉइंट लिख लेना, हाँ भाई कब सुनाओगे, धूप में बैठे बैठे सर में दर्द हो रहा है, छाया में बैठ जाओ, हाँ सही लग रहा है धूप है बहुत ज्यादा, वहाँ छाया में बैठो, लाओ द स्ट्रेंजर वाज अफ्रेड ऑफ हिज सराउंडिंग्स, ठीक है, पिप वॉट द स्ट्रेंजर अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज द स्ट्रेंजर वॉज तभी जिंदा छोड़ेगा जब he had
ये सेकंड वाला है, आप कर लेना सही से ना। और ही फेल्ट एज में स्ट्रेंजर इन क्लासरूम में, ही फेल्ट पिटी फॉर द स्ट्रेंजर के लिए उसे दया आई। हो गया ये तुम्हारा आप इंग्लिश ग्रामर का, पहले रूल समझ लो एक बार। एक और नोटबुक अंदर रखो बैग में, देखो इधर को आ जाओ, इतना टाइम नहीं है, टाइम हुआ जा रहा है। देखो इधर तुम्हें चार बता रखे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, नहीं हाँ बनेंगे इसमें ही, मतलब बस वर्ब वगैरह बनेंगे। सुनो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बता रखा है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस लगता है। सिंगुलर क्या होता है, ही शी इट या एक नाम दिया हो तो वो क्या है सिंगुलर। और प्लूरल क्या होता है, आई वी यू दे, ये क्या है प्लूरल। इनके साथ मेन वर्ब की बस फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस एस नहीं लगता। एस किसके साथ लगता है, एस ई एस आई एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बस में यही याद रखना है। मदर सिंगुलर है तो ड्राइव दिया तो क्या लगा देना ड्राइव, इट सिंगुलर है स्नोज ऐसा लगा देना। फादर एक है रिटर्न, डॉग्स बहुत सारे हैं तो चेज फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी उतारनी है। और सब्जेक्ट अगर तुम्हारा सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस जुड़ेगा, ठीक है, वो वर्ड के अकॉर्डिंग होता है। चिल्ड्रन क्या है प्लूरल है तो लव का क्या होगा, लव्स नहीं लव ही रहेगा। चिल्ड्रन माने चाइल्ड होता तो लव्स होता है, वही उतार देना है। और एक है तो एस ई एस या आई एस होता है। अब देखो इधर में ये है सिंपल टेंस में क्या होता है, आई वी यू दे, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं आर, आई के साथ बस एम आता है और सिंगुलर के साथ इज, ठीक है। दे आर चिल्ड्रन एक से ज्यादा है लाफ एस नहीं लगेगा। अदिति एक है इज, आई एम आवर फ्रेंड फ्रॉम गोवा, हमारे फ्रेंड गोवा से, बहुत सारे फ्रेंड हैं तो विजिट, ये सब्जेक्ट का समझना है। हाँ एक दिया ये मन से बढ़ना है, क्या बढ़ना है मैं सारे नहीं दूंगी, यहाँ खुद ही बढ़ना है। राहुल एक है तो अपनी मर्जी से नंबर दे दिए, राहुल राहुल ऑफन फॉर गेट्स स्टूडेंट बहुत सारे ग्रीक फर्स्ट फॉर्म। रोजर विंस आई प्लूरल है वॉक का वॉक ही रहेगा। माय अंकल एक है अंकल टीच्स ई एस लग गया, आई लगता है सिंगुलर पर है, हां है प्लूरल यू भी ऐसे ही है। इंग्लिश में आप एक के लिए भी यू करते हैं और प्लूरल में भी, लेकिन प्लूरल कहलाता है यू, ठीक है। रीना एक है एस लगेगा लॉन्स। एरोप्लेन एक है लैंड्स, एक के साथ एस ई एस आई एस लगा देना बस। और इसमें एक और याद रखना है एडवर्ब इधर ऑलवेज लिखा है ऑफन लिखा है तो ये तो एडवर्ब दे रखी है इसके बाद मेन वर्ब दी हुई है ना, इनमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब दे रखी है और इन वालों में ऑलवेज ऑफन ऐसा कुछ दे रखा है उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने क्या बता रखा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, हाँ सारे आएंगे प्रेजेंट टेंस के। सुनो सब्जेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में टेंस में कौन सी हेल्पिंग, तीन हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, एक के साथ इज, बहुत सारों के साथ आर, आई सिर्फ आई के साथ एम लगता है बस, ठीक है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दोगे आई एन जी, जैसे लता एंड हर फ्रेंड्स डैश सिंह लिखा है तो बहुत सारे लता और उसके दोस्त तो क्या आएगा आर, सिंह में क्या आ जाएगा आई एन जी सिंगिंग। जैसे ही डैश आ लेटर राइट दिया है, ही एक है तो क्या लगाएंगे इज, और राइट में रिपोर्ट आ क्या कर देंगे आई एन जी राइटिंग। कंटिन्यूअस में आई एन जी जरूर लगाना है और इज आर एम साथ में जुड़ना है, ठीक है। आई डैश टू स्कूल गो है, आई के साथ क्या आता है एम, गो में आई एन जी। देखा उधर बैठ जाओ उधर जरा सेव, सेफ्टी की तो क्वेश्चन में से ही देख देते हैं रूल्स की भी। आर यू एल एस स्पेलिंग सब गलत है तुम्हारी तो, सेफ्टी गलत, रूल्स की नेसेसरी की भी गलत। आर यू एल एस स्पेलिंग सही करनी है भाई, इंजर्ड को अनजर्ड लिख दिया, शार्प ऑब्जेक्ट से वो एक से ज्यादा है। जे छोटा बनेगा जे बड़ा होना से घुसा दिया, बेंच को बांचेस लिख दिया, पी ई होता है बेंचेस। बी लाइट एंड ब्लेड्स कैन हर्ट यू अवॉइड यूजिंग देम। कमिंग में एक एम आएगा, सी ओ एम आई एन। डू नॉट वॉक ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ऑफ द रोड छोड़ दिया तुमने, ऑफ द रोड था भाई। क्या क्या लिखिए ना नंबर डालता है
यहाँ डॉक्टर्स नहीं आएगा, डॉक्टर सिर्फ उसमें आएगा फर्स्ट एड वाले में, इसमें तो सिर्फ डॉक्टर लिखना है। ये अभी छूटा हुआ है कुछ नहीं तो एट होम का दूसरा पॉइंट भी लिखा तुमने, बी वाला, बी वाला पॉइंट नहीं लिखा डॉक्टर वाले का, एट होम का हाँ वो वाला लिख दो। और इसका भी, इसके तो दो पॉइंट यही घुसा दिए, चिपका दिए तुमने, गंदा गंदा लिखते हो। एक तो आ जाओ भाई, बैठ जाओ इधर, इस फोटो में बैठो, यहाँ बैठो, अब सुन लो बस आराम से। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या बताया, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से एक लगेगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। जब जैसे द डॉक्टर, एक डॉक्टर है तो टेस्ट के साथ क्या आएगा, द डॉक्टर इज टेस्ट में आएगी, टेस्टिंग बॉबी इज आए, बॉबी क्या इसकी जांच कर रहा है। लीना एक है तो क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब इज, और स्पीच में ई हटा के लास्ट का, इधर देखो स्पीजिंग, द मैकेनिक इज रिपेयरिंग, द पुलिसमैन एक से ज्यादा ही लगा है तो आर पेट्रोलिंग लिखे है ना, तो डबल इधर ध्यान दे लो, तो मैं सारा थोड़ी देर में तुम्हें करा रही हूँ। पेट्रोल है ना, जब पेट्रोल डबल एल हो जाएगा पेट्रोलिंग लिखती है तो पी ए टी एफ पेट्रोलिंग आवर स्ट्रीट, पुलिसमैन क्या है हमारी गली में घूमते हैं ना चक्कर लगाते हैं, उसको पेट्रोलिंग करना पड़ते हैं, कहते हैं रात को, वो पीई होता है, ये पेट्रोलिंग माने गश्त लगाना, पुलिस इधर से उधर घूमती है ना जब कोई चोरी हो जाती है कहीं कुछ होता है। मदर डैश पील ऑरेंजेस, मदर एक है तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब इज, और पील में क्या आ जाएगा आई एन जी। फादर एक है तो क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब इज, और रफल में ई हटा के आई एन जी, रफली। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना, मैंने बताया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज आर एम जरूर लगाना और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाना है, ठीक है। द चिल्ड्रन, बच्चे एक से ज्यादा है तो क्या आएगी हेल्पिंग आर, और सैल्यूट में ई हटा के आई एन जी, सैल्यूटिंग। पनीता एंड हर फ्रेंड्स, एक से ज्यादा लोग हैं तो आर, एक्सप्लोर का ई हटा के क्या लगाना है आई एन जी, जिसमें ई है लास्ट का ई हटा के आई एन जी लगा देना है। ये भी है तो ऐसा ही, पर इसमें इज गोइंग टू, कोई भी काम होने जा रहा है गोइंग टू या अबाउट टू यूज करते हैं। पॉल इज गोइंग टू रो द बोट अक्रॉस, पॉल क्या है रो कहते हैं बोट को जो चलाते हैं ना ऐसे हाथों से, उसको रो करना कहते हैं चलाने, यार ये जरा सी बच्चे इसे भी तोड़ के रखते हैं ना, ये सेम है इस वजह और ये इसके इनके काम है कभी ना कभी के, ये भी इतनी सी बची है, इतनी सी बची है क्या सही पहले तो टीथ इतनी बड़ी बड़ी थी सारी तोड़ फोड़ दी, पहले मौसा जी चढ़ गए थे वो जब भी टूट गई थी और एक दो और पर सब बच चढ़ गया होगा कोई ना कोई, एक अब इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद कर लो भाई। मैंने इतना समझा दिया, एक बार इतना पढ़ लो फिर आगे का कराऊं फटाफट, जल्दी लो। मुझे ये बहुत मेहनत के बाद करा था मैंने, ये वाला समझ में नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग ने समझा।